आंध्र प्रदेश अब तेलंगाना की राह पर चल चुका है। राज्य के किसानों को रबी सीजन में धान की जगह अन्य फसलों की खेती करने की अपील की जा रही है। इससे पहले तेलंगाना ने रबी सीजन में धान की खेती नहीं करने की बात कही थी। इस फैसले के राज्य के किसानों ने विरोध किया था। अब आंध्र प्रदेश भी रबी सीजन में धान ना लगाने की सलाह दे रहा है। आंध्र प्रदेश की सरकार ने किसानों को बाजरा, जौ और ज्वार जैसी फसलों की खेती करने की सलाह दी है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने अधिकारियों से कहा है कि वे किसानों को रबी सीजन में धान की जगह अन्य फसलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने अधिकारियों से एक बाजरा बोर्ड के गठन करने का निर्देश दिया है। CM जगन मोहन रेड्डी ने अधिकारियों से कहा है कि वे बाजरा बोर्ड के गठन के साथ ही प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना करें, ताकि किसान इस फसलों की खेती कर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। दरअसल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रबी सीजन में बड़े पैमाने पर धान की खेती होती है, लेकिन अब राज्य सरकारें इसमें बदलाव पर जोर दे रही हैं। MSP का लाभ राज्य सरकार की नीतियों और धान की खेती के लिए अनुकूल मौसम के कारण किसान इसी फसल की दोनों सत्रों में खेती करते हैं, लेकिन अब FCI ने रबी सीजन में उत्पादित धान की सरकारी दरों यानी MSP पर खरीद करने से इनकार कर दिया है। बड़े पैमाने पर उत्पादन होने के कारण राज्य सरकार अकेले पूर्व स्टॉक की खरीद करने में सक्षम नहीं है। यही कारण है कि किसानों से दूसरी फसलों का चुनाव करने को कहा जा रहा है। हाल ही के वर्षों में तेलंगाना में धान का उत्पादन काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था। पिछले खरीफ मार्केटिंग ईयर में पंजाब के बाद तेलंगाना से MSP पर सबसे ज़्यादा धान की खरीद हुई थी। यही कारण था कि इस बार भी किसान धान की खेती करने की तैयारी कर चुके थे, लेकिन अचानक उसे ऐसा नहीं करने के लिए कहा गया। सरकार के इस फैसले पर किसानों में नाराजगी थी। तेलंगाना सरकार ने धान की जगह चना जैसी फसलों की खेती करने की अपील की थी। अब आंध्र प्रदेश भी उसी राह पर चल पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।